जशपुर जिले में गरीब आदिवासियों से छल पूर्वक जमीन की धोखाधड़ी कर 500 रुपए में 3.5 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कराने का मामला सामने आया है। मामले में पूर्णा नगर निवासी गरीब वृद्ध आदिवासी लिट्टू राम ने पूर्व DDC कृपा शंकर भगत पर छल पूर्वक 500 रुपए में धोखे से 3.5 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कराने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। इस तरह के दो अन्य परिवारों ने भी कृपा शंकर भगत पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। मामला उजागर होने के बाद जिले में हड़कंप मच गया है। कृपा शंकर भगत का करलक तू कहलक कि नहीं और मैं कहलूँ के कि इस 9 डिसमिल के मैं बेचत हूँ से नहीं कि लेबेहर कहलूँ से कहने उत्तर लिखाई देलक एकदम 3 एकड़ अरे 3.5 एकड़ जमीन की और पैसा 500 दे ये तो नखे। कृपा शंकर भगत जो हैं उनसे हम लोग बातचीत किए थे 9 डिसमिल जमीन बेचने का, क्योंकि हमारा घर का स्थिति ठीक नहीं है। कृपा शंकर भगत ने हमसे धोखा किया, हमें बिना जानकारी दिए, हम लोग से बिना पूछे दादू को ऐसे आया हमारे गांव और अपने निजी वाहन में बैठा कर ले आया रजिस्ट्रार ऑफिस और वहाँ पर 9 डिसमिल बोल करके 3 एकड़ 54 डिसमिल पे रजिस्ट्री करा लिया। जब मुझे शक हुआ तो मैं जांच पड़ताल के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस आई तो रजिस्ट्रार साहब मुझसे नकल निकालने के लिए पर्चा का मांग किए, ऋण पुस्तिका। मैं ऋण पुस्तिका लेकर आई, उस समय मुझे बाहर बैठने के लिए बोला गया, बिक्री नामा होता है उसको पर्चा में चढ़ा दिए, जो रजिस्ट्रार साहब का भी मिली भगत है। ज़मीन अगर हमें नहीं मिला तो हम लोग भूख हड़ताल पर भी आ सकते हैं सर। मेरे साथ कृपा शंकर भगत 16 डिसमिल जमीन लेने के बात किया, रजिस्ट्री करवा के हम लोगों को बाद में पता चला कि 16 डिसमिल से ज़्यादा 1.5 एकड़ जमीन को पूरा अपने नाम कर लिया ठग के। लिट्टू राम और कृपा शंकर भगत द्वारा रजिस्ट्री लिखा पढ़ी करके प्रस्तुत किया गया है जो 4,33,000 की है, जिसमें कुल रकबा 1.437 हेक्टेयर अर्थात 3 एकड़ 54 डिसमिल का लिखा पड़ी है, पूर्णा नगर गांव का है, जिसके लिट्टू राम और कृपा शंकर का अंगूठा हस्ताक्षर और फोटो ये लगी हुई है। दो गवाह प्रस्तुत हुए थे, दोनों ने सामने में समक्ष में रकम प्राप्त करना स्वीकार किया गया, जिसके आधार पर इसका पंजीयन नियमानुसार किया गया है। ये आरोप सरासर बेबुनियाद है। ये शासन के नियमानुसार रजिस्ट्री कार्यालय में स्वयं पूरा प्रतिफल देने के बाद, लिट्टू राम को देने के बाद हमने रजिस्ट्री कराया है और ऑनलाइन रजिस्ट्री हुआ है। किसी भी प्रकार का उसमें ये जो धोखाधड़ी और छल कपट की जो बात किया जा रहा है ये सब सरासर बेबुनियाद है। जबकि लिट्टू राम को 4,33,000 रुपये रजिस्ट्री कार्यालय में ही दिया गया है। घसनीन बाई और वो यादव, किसी यादव भाई को इन लोगों ने दिया है जमीन, उसमें मैं सिर्फ गवाह हूँ, उसको उनको का मैं जमीन नहीं लिया हूँ। तरुण प्रकाश शर्मा, ETV भारत, जसपुर।